दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, ना कि अपने जन्म से महान होता है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बता दें कि बिहार में अभी अगले ही महीने आने वाली है एक बहुत ही बम्पर भर्ती, लगभग 16,000 लगभग पद यहाँ पे खाली बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि मैं आपको लेकर चलूँगा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के उस न्यूज़ पे जहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है बिहार सरकार को और जल्द कहा है यहाँ बहाली करने के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ANM की रिक्रूटमेंट भी होगी यहाँ पे। तो चलिए सारी जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो जाएं चैनल पे और चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अभी शाम में देखिए 2-3 वीडियो मैंने दिए थे, इनका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया है यूट्यूब के जरिए, तो इस वीडियो को आप लोग को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। जिन कैंडिडेट ने RRB JEE का CBT 1 एग्जाम दिया था, उनके लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन राइज करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा ये ब्यौरा मैंने दिया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे करना है आपको ऑब्जेक्शन, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे पटना जोन ने ALP का यहाँ पे एक इम्पैनल्ड कैंडिडेट का यहाँ लिस्ट जारी किया है अलॉटमेंट के लिए, तो वो भी लिस्ट देख लीजिएगा। उसके अलावा एक सुबह मैंने अक्षर अंचल योजना के बारे में बताई है, जिसका लाभ बिहार के उन छात्रों को होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का भी वैकेंसी आने वाला है। तो इस वीडियो को भी जरूर देखें आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पे जहाँ पे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये चीज़ें सारी क्लियर की गई हैं और बताया गया है कि कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं इस विभाग में। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से इस सब वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि आप तक हम हर वो खबर बिहार से हो या किसी भी जॉब के रिगार्डिंग हो पहुंचा सके सबसे पहले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, हम लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पे जो कि आज के हिंदुस्तान खबर में ही ये छपी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के लगभग 5720 पद खाली हैं। तो ये तो हो गई डॉक्टरों की बात, उसके अलावा और कौन से वेरियस पोस्ट हैं जिसकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, हाई कोर्ट के मामले को पढ़ ले पहले हम, क्योंकि हाई कोर्ट के जरिए ही इस सारे रिक्रूटमेंट का पता लग पाया है। राज्य सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट ने ये जारी किया है न्यूज़ को। दोस्तों, बता दें कि हाई कोर्ट ने बताया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 16,000 की नियुक्तियां अभी भी पड़ी हुई हैं और सरकार अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे कि लगभग, मैं आपको सारा डिटेल दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के सरकारी अस्पताल नियमित डॉक्टरों के बजाय कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे, ये प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो कि सरकारी नौकरी में नहीं रहते हुए भी ये सरकार की मदद करते हैं एक तरह से, उनकी गलती नहीं है, गलती यहाँ पे है सरकार की। ये कॉन्ट्रैक्ट पे सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे बहाल करके उनसे काम कराए जा रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे सारे जगह पे बिहार में हर वो अस्पताल में अभी भी डॉक्टर्स की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग मौजूदा समय में 2832 सामान्य तथा विशेषज्ञ ही बतौर नियमित सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, मात्र 2832। ये पूरे बिहार का आंकड़ा है दोस्तों, 2832 डॉक्टर ही यहाँ पे नियमित रूप से, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के भी जगह पे कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञ यानी कि यहाँ स्पेशलिस्ट की बात हो रही है। ओके दोस्तों, बता दें यहाँ पे एक चीज़ और कि 3880 यानी कि 3880 डॉक्टरों को अनुबंध पर नियोजित किया गया है। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे इनको नियोजित किया गया है, जबकि सूबे में यानी कि इस पूरे सिनारियो में 5720 डॉक्टरों की रिक्तियाँ अभी पड़ी हुई हैं। तो ये हो गई डॉक्टर्स की रिक्तियाँ। दोस्तों, 5720 जोड़ते रहिएगा यहाँ पे, अभी पूरे विभाग में कितनी नौकरियाँ पड़ी हुई हैं ये मैं आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ, और अगले महीने इसकी ज़रूर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आने वाली है, क्योंकि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि अगस्त तक यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो कमर कस के रखिएगा और कौन कौन से पद पर वैकेंसी आने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे कि दी गई जानकारी राज्य सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट को दी गई। ओके, कोर्ट को बताया गया कि राज्य में
ग्रेड ए के नर्स, देखिए यहाँ पे नर्स की भी ग्रेड ए, ग्रेड ए की पोस्ट पे जो नर्स वैकेंसी यहाँ पे निकलती है वो कई सालों से रुकी पड़ी हुई है और उसका भी यहाँ पे कुल 4704 पोस्ट है। टोटल अगर बात कर रहे हैं तो 4704 पोस्ट है जिसपे कि अभी मात्र 2096 यानी कि 2100 ही ये भर्ती है। तो लगभग यहाँ पे 2500 की वैकेंसी जो है दोस्तों यहाँ से जोड़ लीजिए, तो 5720 और 2500 ये हो गए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो गए दोस्तों लगभग 8000 पोस्ट, ठीक है 8000 पोस्ट लगभग मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, और जबकि देखिए इसी प्रकार से ANM, अब ANM की रिक्रूटमेंट आपको आती है जब भी, तो मैं आपको बताता हूँ हर बार, इस बार भी बता रहा हूँ आपको कि ANM जो बिहार में कुल पोस्ट हैं 21,859 पदों की भर्ती खाली है अभी भी, मतलब ये पूरा पोस्ट है एक्चुअली बिहार में, जबकि यहाँ पे मात्र 12,134 ANM कार्यरत हैं, तो बाकी बचे 8000, ठीक है तो लगभग 8000 यहाँ भी रिक्तियां हैं और वो 8000 लगभग, ये 16000 की पदों की रिक्तियां अभी भी इस सरकार के पास खाली पड़ी हुई हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति ज्योति सरन तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई की है और बता दें आपको कि आवेदक के वकील दीनू कुमार ने केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कोर्ट को जी हम बताया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी के कारण प्राइवेट अस्पतालों से इलाज कराने के लिए लोग जा रहे हैं। अब इसका इस पे अस्पतालों तक जा तो रहे हैं लोग, लेकिन इसका घाटा क्या हो रहा है सरकार को ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पूरे देश की अगर बात करें हम तो हर जगह ये हालात है, ठीक है, पर बिहार में खासकर एक तो ऐसी गरीबी रेखा बहुत ऊपर तक बढ़ी हुई है और यहाँ पर लोग अपने इलाज कराने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा देश का आंकड़ा दिया गया है कि 5,06,00,000 गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं अपने सिर्फ इलाज कराने के कारण, यानी कि उनको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है और प्राइवेट अस्पताल जाने के बाद उनको अपने खर्च का अनुमान नहीं लग पा रहा और लगभग यहाँ पे बता दें कि 5,06,00,000 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की, नर्स की और ANM जो कैंडिडेट होते हैं उनकी बहुत सारी कमियाँ हैं। लगभग आप सोच सकते हैं कि 16000 वैकेंसी अगर एक बार में निकाली जाए तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे, ये आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको कि अस्पताल के इलाज कराने के खर्च को यहाँ पे देना ही पड़ता है उनको, तो ये गरीबी रेखा आना संभवतः है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और कही गई है कि उनका कहना है कि देश में 25% शहर में रहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 97% उनको डॉक्टर, देखिए जो लोग 25% है मात्र उनको यहाँ पे 97% की डॉक्टरों की मिल रही है सुविधाएं, तो जबकि गांव में रहने वाले लोग हैं कितने, तो 75% लोग हैं गाँव में रहने वाले और इनको सुविधाएँ मात्र मिल रही है 3%। तो सोचिए गरीब तबके के जो लोग हैं बिहार में या फिर पूरे देश में उनकी यहाँ पे सुविधाओं में कितना खलन हो रहा है और इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आशा करते हैं कि जो बिहार सरकार की फटकार लगाई गई है पटना हाईकोर्ट के द्वारा और ये जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और अगले ही महीने इसकी नियुक्ति निकाली जाए, चूँकि यहाँ पर लिखा गया है कि 19 जुलाई को यहाँ पर सारा जो है ब्यौरा तय कर लिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में जो याचिका की गई है वैकेंसी के लिए 19 जुलाई को कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे मैं आपको खबर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा जो सिनारियो है इसको राज्य सरकार को दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है जानकारी, और इसलिए ये सारी वैकेंसी जो है लगभग 16000 पदों की, इनमें से 10000 भी वैकेंसी अगर निकाल दे सरकार तो बहुत राहत होगी उन बेरोजगारों के लिए। तो दोस्तों ये खबर पहुँचानी थी आपको मुझे इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी 19 जुलाई को खबर लग सके, जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दिया करेंगे। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि हमारे साथ जुड़ने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी वीडियो दे रहे हैं हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उन सभी को अगर देखना है आपको तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट कर दी जा रही हैं। अगर आप लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, दिन में नहीं देख पा रहे वीडियोज़, तो कभी भी आप चाहें चैनल पे ओपन करें प्लेलिस्ट को, वहाँ पे हर फोल्डर बनाया हुआ है उसके रिगार्डिंग, जिसकी भी नौकरी आपको मतलब ऐसी लगती है कि इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ जाके उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके चलिए, ये 3 फोल्डर है दोस्तों जॉब्स के रिगार्डिंग,
जहाँ पे मैं सारा अपडेट करता रहता हूँ। और रही बात बेलेट्रॉन की, तो ये आपको इस पर डिटेल दिया गया है जो बेलेट्रॉन से रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट को लेकर, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें एक वीडियो है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ये सारा डिटेल आपको बता दिया गया है, और पिछले साल क्या कट ऑफ गया था इन सब के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।